फिर शो होता है रात में। वेलकम बैक टू माई चैनल विजया व्लॉग्स। तो कल गए थे हम लोग ओसवाल नगरी साइड, मतलब प्रगति नगर साइड। आज हम जाएंगे सेंटर पार्क साइड काका से गणपति देखने और दत्त मंदिर का गणपति देखने, सेंटर पार्क की गणपति देखने। और इस बार मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में परफेक्टली, उसी वक्त एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छी तरीके से। बाद में एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और लेट्स गो, चलते हैं। अभी बज रहे हैं 4। राधा को थोड़ा छोड़ दिया ट्यूशन, अब जब तक वो आएगी ट्यूशन से तब तक हम लोग वहाँ से देख के भी आ जाएंगे 2-3 गणपति। और ये पास पास में, ज़्यादा दूर जाना भी नहीं है। तब तक राधा को भी ले लेंगे 6 बजे क्लास से, ट्यूशन से, फिर जाएंगे घर पे। सो लेट्स गो, भाभी आ रही हैं, भाभी का इंतज़ार हो रहा है। और आज देखते हैं सेंटर पार्क की गणपति। आज है एकदम कड़ाके की धूप। जी हाँ, सो बपाए और चले गए। और यहाँ का जो मंडप बना हुआ था वो अब निकल रहा है। सो ये है सेंटर पार्क की गणपति। मौसम कैसा हुआ है भाई यहाँ पे? चले चलते हैं यहाँ पे। ये है यहाँ की सेंटर पार्क के गणपति, और बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा बनाया पंडाल। ये है नेक्स्ट, ये है दत्त मंदिर का गणपति। यहाँ पे शो होता है रात में। हाँ, इसमें होता है ना शो, इसलिए तो स्पेस दिया हुआ है। लेकिन यार वो तो नहीं है, मुझे नहीं है। अरे तो रात में रखते हैं ना, यहाँ पे शो होता है, टिकट लगता है। इस बार ये पूरे एरिया को दत्त मंदिर का कहते हैं। तो ये है काका की गणपति, और इनकी गणपति हमेशा ऐसी ही रहती है इसी तरीके से। और डेकोरेशन तो वाओ, बहुत सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है। सबसे बेस्ट गणपति, सबसे 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 बेस्ट है। फोटो में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है, मैं सही बोलूं, रियलिटी में तो एक नंबर लग रहा है ये, एक नंबर। फोटो में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं, ना लाइट वगैरह ना कुछ। लेकिन जो रियलिटी में हम लोग देख रहे हैं ना, वो यहाँ पे आके अगर आसपास लोग हैं तो आके देख सकते हो, रियलिटी में एक नंबर है ये, कुछ भी नहीं दिख रहा फोटो में। और इधर पे होता है शो शाम को, क्या शो है तो मुझे पता नहीं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या शो होगा इसमें। में होता है गणपति का विसर्जन, मतलब हमारे गार्डन में बना हुआ है विसर्जन के लिए, तो इसमें होता है विसर्जन। सुबह आइए, सुबह पानी था भरा हुआ, मैं इतना पानी था, हम निकाल दिया पानी। इसमें ना सिर्फ एक बार ऐसे डुबाते हैं, फिर लेके जाके उधर रख देते हैं, फिर वहाँ से वो लोग दूसरी जगह लेके जाते हैं।
इसमें छोड़ते नहीं है क्योंकि इसी में खड़े रहते हैं ना दो तीन लोग। हाथ वगैरह यही वाली चीज अच्छी नहीं लगती मेरे को, यही वाला चीज अच्छा नहीं लगता है, जो मिट्टी वाला रहता है ना जो, अरे इको फ्रेंडली वाला सही रहता है, कम से कम ये हालत तो नहीं होती। फिर भी यहाँ पे तो डुबाया नहीं है, ऐसे बस एक बार डाल के ना रख दिया वहां पर, अब इसको शायद रीयूज करे या फिर क्या करे, पिघला के शायद मिट्टी इसका निकाल दे, जो इसका अलग दो तीन चीज डालते है ना इसमें। पर लागर के लोग रखते थे, जब पूरा ये भर जाता था ना फिर ले गए ट्रक से दूसरी जगह लेके जाते थे, उस दिन हम लोग देखे थे ना। चुप रहो, आवाज मत करो। घूम रही गोल गोल, आजा आजा आजा।